राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला एशिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना गया है। सरकारी आदेश है कि यहां शाम 6 बजे के बाद किसी को भी रुकने न दिया जाए, इसलिए यहां सैलानियों को 5:30 होते ही किले से बाहर निकालना शुरू कर दिया जाता है, ताकि भूल से भी कोई इसके अंदर रह न जाए। भानगढ़ एक प्राचीन नगर है। मान्यता है कि एक तांत्रिक की बुरी नीयत इस नगर के विनाश का कारण बनी। इतिहास के अनुसार भानगढ़ का निर्माण आमेर के राजा भगवंत दास ने 1573 ईस्वी में अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए कराया। बाद में इनकी 3 पीढ़ियों ने इस नगर पर राज किया। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावली अत्यंत सुंदर थी। इस राज्य में एक सिंधिया नाम का तांत्रिक राजकुमारी पर मोहित हो गया। वह रत्नावली से विवाह करना चाहता था, लेकिन यह संभव नहीं था। ऐसे में उसने नगर के हाट से राजकुमारी के लिए तेल खरीदने आई दासी को अभिमंत्रित किया हुआ तेल दे दिया, ताकि तेल के प्रभाव से राजकुमारी सम्मोहन में उसकी तरफ खींची चली आए। लेकिन जाते वक्त दासी के हाथ से वह शीशी छूटकर एक शिला पर गिर गई। तेल गिरने से वह शिला चटक कर तांत्रिक की तरफ खींचने लगी और शिला के नीचे दबकर उस तांत्रिक की मौत हो गई। लेकिन मौत से पहले ही उस तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या के प्रभाव से नगर को ध्वस्त करने की जमीन तैयार कर दी। उसने नगर को विनाश का श्राप दे दिया। कहा जाता है कि तांत्रिक की मौत के बाद राजकुमारी सहित भानगढ़ के किसी निवासी ने अपना सूरज नहीं देखा। पूरा नगर एक रात में ही वीरान हो गया। यह सब कैसे हुआ, इस बारे में कई तरह की बातें लोग बताते हैं। माना जाता है कि इस तरह अकाल मृत्यु के कारण आज भी वहां के निवासियों की आत्माएं यहां भटकती है। भानगढ़ नगर में प्रवेश करते ही सबसे पहले बाजार पड़ता है। वह बाजार जो उस जमाने में गुलजार रहा करता होगा, आज वीरान और खंडहर में तब्दील है। बाजार में बनी दुकानों की दीवारों से छत कुछ इस तरह गिरी कि लगता ही नहीं इनके ऊपर कभी कुछ था भी। देखकर एहसास होता है मानो किसी ने तलवार से इन्हें इकसार काट दिया है, या इन्हें बनाया ही इस तरह गया है। कहते हैं नगर में बने नर्तकी महल से रात को घुंघरुओं की आवाज़ आज भी आती है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।